जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। देखिएगा, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डिकम्पोजिशन क्या रिएक्शन। चलिए तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है। चलिए, डिकम्पोजिशन का मतलब, डिकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक करना, टूट जाना। इसमें एक डिफिनेशन है इसका कि कभी सिंगल एक रिएक्टेंट दो या दो से अधिक भागों में क्या होता है, टूट जाता है, तो उस रिएक्शन को हम लोग जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ओके, अब इसमें देखिएगा, एक गर्ल्स है, आजकल गर्ल्स ही सब कुछ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है ना। तो सभी बच्चे आपको जो है लड़कियों का आदत करें, सम्मान करें, ठीक है ना। क्योंकि जो जो लड़की होती है जगह जननी होती है और हमारे जनरेशन को आगे बढ़ाने वाली होती है, इसलिए इनका सम्मान करें। ओके, देखिए गर्ल्स एक्सपेरिमेंट कर रही है, आजकल लड़कियां ही एक्सपेरिमेंट कर, लड़के से कुछ होने जाने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए इसने क्या किया है, गर्ल्स ने एक बॉयलिंग ट्यूब रखा है, कल रखा है बॉयलिंग ट्यूब, और उसको चिमटे से कस के पकड़ रखा है, बात समझ में आ गया। और उसमें उसने क्या किया है कि फेरस सल्फेट, क्या फेरस सल्फेट के कुछ टुकड़े रखकर इसको हीट सप्लाई कर रहा है। सर इसे करने से होगा क्या, देखिएगा एक्चुअली क्या होता है, उसका रिएक्शन यहां दे रखा है कि ये आपका जो है फेरस सल्फेट है, FeSO4, क्या है FeSO4 दिख रहा होगा पूरा, ठीक है ना। तो ये आपका FeSO4 है, जब फेरस सल्फेट को हम लोग हीट करते हैं तो इसके तीन प्रोडक्ट्स आते हैं, कितने प्रोडक्ट्स आते हैं, तीन, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और क्या, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अगेंस्ट थ्री बता देते हैं कि जब भी हम लोग फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो इसके तीन प्रोडक्ट आते हैं, आपका जो है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और क्या, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। ये एक्चुअली जो है क्रिस्टल फॉर्म में होता है, क्रिस्टल फॉर्म का मतलब हो गया एक्चुअली इसका मतलब है FeSO4 7S2, ये आपका जो है फेरस सल्फेट क्रिस्टल फॉर्म का फॉर्मूला है। जब भी इसे हम हीट करते हैं तो हीट करते ही वाटर का कर जाता है लॉस हो जाता है और इसका कलर का कर जाता है चेंज होता है, और जब कलर इसका चेंज हो जाता है तो ये आपका फेरिक ऑक्साइड का निर्माण करता है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का भी क्या करता है, रिलीज करता है। जहां पर फेरिक ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में होता है, जबकि आपका सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या होता है, आपका गैसियस फॉर्म में क्या होती है, पाई जाती है। ओके, बात समझ में आ गया होगा, बच्चों को ज्ञान भी बढ़ गया होगा। अगर सभी बच्चों को ज्ञान बढ़ रहा है तो इसमें आपसे निवेदन है कि सभी बच्चे क्या करेंगे, ज्ञान को प्रसार करेंगे, क्या करेंगे, ज्ञान को प्रसार करेंगे। कैसे प्रसार करेंगे, अपने मोबाइल सेक्शन में जाएंगे और वहां से क्या करेंगे, अपने सिर्फ दो या दो से अधिक बच्चों को, अन्य दोस्तों को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। बिल्कुल कैसे, जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है कि एक रिएक्टेंट जो है दो या दो से अधिक भागों में टूट जा रहा है, ठीक वैसे ही एक बच्चा दो या दो से अधिक बच्चों का करेगा, एक वीडियो का करेंगे, शेयर करेंगे, तो उनको बात समझ में आ जाएगी कि हमको जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ में आ गया। क्योंकि एक चीज दो या दो से अधिक पास चला गया तो समझ लीजिएगा वो क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो चुका है। ओके, एक और चीज बताना, इसमें डिकम्पोजिशन सब बच्चे कराएंगे ना, कैसे कराएंगे पता है ना, कैसे कराइएगा, उसे क्या कीजिएगा, एक आपका एक क्लिप हो गया और क्या कीजिए, दो या दो से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिएगा। मतलब एक रिएक्टेंट क्या हो गया है, दो या दो से अधिक भागों में क्या हो गया है, टूट गया है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसीलिए सभी बच्चे आज जो है दो या दो से अधिक बच्चों का करेंगे, शेयर करेंगे और अपने जो है नॉलेज की इंप्रूवमेंट करेंगे और डिकम्पोजिशन रिएक्शन करने का क्या करेंगे, सभी खुद अपने आप को ले लेंगे। हाँ, एक और अच्छी बात है कि जिस बच्चों को अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है वो सीधे कमेंट सेक्शन में जाएंगे और हमसे क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, और कुछ भी नहीं आता है तो अपना नाम भी क्या करेंगे, लिख कर भेजेंगे, जिससे हमको जानकारी हो जाएगा इन बच्चों ने क्या किया है, मेरा जो है पढ़ाया हुआ ज्ञान को अर्जित किया है, जिससे हमें क्या मिलेगी, खुशी मिलेगी। ओके, फिर हम लोग पॉइंट पर क्या करते हैं, वापस चलते हैं। चलिए, तो अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक और केस है भाई, रिएक्शन एक तो होता नहीं है, बहुत सारे स्वास्थ्य का समस्या चल रहा है। ओके, तो डिकम्पोजिशन कैल्शियम के बारे में बात करें, सॉरी डिकम्पोजिशन के बारे में बात करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट्स, क्या कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है ये होता है, आपके पास इस स्क्रीन पर देखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट है, इसके कैल्शियम कार्बोनेट का जो जनरल हम लोग नाम जानते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लाइमस्टोन कहते हैं, CaCO3 जो सॉलिड स्टेट में होता है, जैसे इसमें हीट सप्लाई करेंगे दो भागों में क्या होगा, टूट जाएगा, एक का बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, एक बन गया सॉलिड दूसरा बन गया क्या, गैस। फिर से रिपीट कर देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में है CaCO3,
फिर सप्लाई किया, दो रूप आ गया, एक क्या हो गया सॉलिड और दूसरा क्या हो गया गैस, लिक्विड नहीं आया। आई बात समझ में? ठीक है ना। तो यहां पर एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से अधिक भागों में क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। जैसे ही ब्रेक डाउन हो जाएगा तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का नाम से जानेंगे। ओके, बात समझ में आ गया होगा। एक बात इसमें तय है, इसको ब्रेक करने के लिए हमें हीट की क्या होती है, जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। एक इसमें और डिफिनेशन लिखा है, थर्मल डिकम्पोजिशन, व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, आगे हम लोग बात कर लेते हैं। एक और हमारे पास रिएक्शन है, ये है हमारा रिएक्शन लेड नाइट्रेट का। लेड नाइट्रेट का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 2PbNO3 का होल्ड ट्वाइस क्या R2, जो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। ओके, इसमें भी हम क्या सप्लाई करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे। इसके भी कितने प्रोडक्ट हो जाएंगे, तीन प्रोडक्ट हो जाएंगे। कौन कौन से प्रोडक्ट होंगे, एक हो जाएगा आपका लेड ऑक्साइड, दूसरा हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और तीसरा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है ना। लेड ऑक्साइड के दो मोलकुश, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के चार मोलकुश और आपका ऑक्सीजन क्या होता है, एक मोलकुश का करेगा रिलीज कर जाएगा। लेकिन ये रिएक्शन तभी परफॉर्म करेगा जब हम बाहर से क्या करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे। जब तक हीट सप्लाई करेंगे नहीं, ये रिएक्शन क्या होगा, नहीं होगा। ओके, एक और आपको रिएक्शन पढ़ाते हैं, काफी अच्छा है, मग। क्या है, मग। ठीक है ना। अब हम लोग मग लेकर क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। देखिएगा, हम अपने घर में मग का कई प्रकार यूज करते हैं। ठीक है ना, कैसे करते हैं बताइए, तो आप लोग अपना नॉलेज अपने पास रखिएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हमें जो है मग में क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं। एक प्लास्टिक का मग है, प्लास्टिक के मग में मैंने पानी भर दिया है और मैंने दो इलेक्ट्रोड का यूज किया है, मैंने साइंटिस्टों ने। ठीक है ना, ये पिक्चर में दिखा दिया। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड का नाम कैथोड है और दूसरा क्या नाम है, एनोड है। इसमें स्विच है और यहाँ पर एक बैटरी है। स्विच को ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा, सप्लाई चालू होना, बिल्कुल एकदम। आगे बात समझ, जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रिक सप्लाई होगा तो एक कैथोड है नेगेटिव, एनोड है क्या पॉजिटिव। तो जो एनोड होता है पॉजिटिव, तो वहां से क्या रिलीज कर लेगा, ऑक्सीजन। और जो कैथोड वहां से क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहां पर किस नेचर में रहेगा, पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा, क्योंकि यहां पर कैथोड से रिलीज हो रहा है। और यहां पर ऑक्सीजन ऑलरेडी क्या होता है, नॉन मेटल गैस हो जाएगा। ऐसे होता तो है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन जो है नॉन मेटल, लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा जो एलिमेंट्स है जो मेटल और नॉन मेटल का करता है, दोनों की तरह बिहेव करता है। फिलहाल यहां पर ये मेटल की तरह बिहेव कर रहा है और ऑक्सीजन ऑलरेडी क्या है, नॉन मेटल गैस, नॉन मेटल एलिमेंट्स है। ठीक है ना। तो यहां पर हमने देखा कि ऑक्सीजन क्या हो गया, नॉन मेटल्स हो गया। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस द्वारा वाटर क्या होगा, दो हिस्सों में बट गया, किस हिस्सों में, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो H2O फॉर्मूला होता है किसका, वाटर का, और एक H2O क्या होगा, दो सिंपल फॉर्म में क्या हो गया, कन्वर्ट कर गया, यानी कि ब्रेक डाउन हो गया। तो कह सकते हैं कि ये भी हमारा क्या हो गया है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो चुका है। लेकिन यहां पर डीकम्पोजिशन रिएक्शन कराने के लिए इसकी जरूरत पड़ गई, इलेक्ट्रोलाइसिस की। किसकी, इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब उसमें हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी का किया, सप्लाई कर दिया। लेकिन इसमें एक और नहीं, तीन रिएक्शन है। ओके, आइए देखते हैं। देखिएगा, यहां पर इस सन का लाइट है, इस चाइना डिश है, और इस चाइना डिश में, चाइना डिश मतलब कि शीशे का बर्तन, ठीक है, उसमें मैंने नहीं, एक्सपेरिमेंट में सिंबल को राइट को रख दिया गया है। जैसे सिंबल को राइट पर धूप पड़ता है, यानी सनलाइट पर, देखिएगा, मुझे ठंडा का दिन होता है, इनमें से कुकुर जाते हैं, तो हम लोग चार्ज होने के लिए कहाँ चले जाते हैं, धूप में जाते हैं। जैसे धूप में जाकर चार्ज होते हैं, हम टाइट हो जाते हैं, हम क्या बताइए, क्या बात है। ठीक, बेचारा इसका यही है। ये तो आपका सिल्वर क्लोराइड है, जैसे जो सन का लाइट पड़ेगा इसका कलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि ग्रे कलर में क्या कर जाएगा, चेंज करेगा। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसका कलर क्या हो जाती है, चेंज कर जाती है, कलर को चेंज करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन का नाम से जानते हैं। ठीक, यहाँ पे यही कंडीशन होता है कि ये आपका सिल्वर क्लोराइड्स है, सिल्वर क्लोराइड्स पर सन का लाइट पड़ते ही ये अपने कलर को चेंज कर जाता है। यानी आसान भाषा में समझे तो सन के लाइट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। कभी भी किसी भी रिएक्शन में जब सन लाइट या किसी तरह की हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है, खासकर सन के ही केस में, सनलाइट के केस में, तो उसको हम लोग एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। मतलब कि यहाँ पर डीकम्पोजिशन होने के लिए यहाँ पर एंडोथर्मिक क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और इस सिल्वर क्लोराइड क्या कर रहा है, सन के लाइट को अपने तरफ एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसके कारण एक क्या होगा, एक सिल्वर क्लोराइड क्या होगा, दो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर जाएगा, Ag+ क्या, Cl2। मतलब क्या, सिल्वर प्लस क्या, आपका जो है क्लोरीन गैस, जो यहां पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। बात समझ में आ गया, देख लीजिए, यही है ना।
सिल्वर क्लोराइड सन क्लोराइड एब्जॉर्ब होते ही क्या हो जाएगा, सिल्वर प्लस का और क्लोरीन में ब्रेक डाउन कर जाएगा। बात समझ में आ गया? यस। आगे डिस्कस कर लेते थोड़ा सा इसमें और रिएक्शंस है। ओके, अब हम बात करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड्स के बारे में। सेम लाइक बिहेवियर, इसका भी वही बिहेवियर। कैसे बिहेवियर? कि जैसे हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड्स को सन के लाइट में रखेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड्स क्या करेगा, सन के लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और दो फॉर्म में क्या होगा, टूट जाएगा। पहला क्या होगा, सिल्वर, दूसरा क्या होगा, ब्रोमीन। ओके, इसी मेथड यूज हम लोग जाए ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी करने के लिए क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। उसमें भी क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है और प्लेट पर क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। ओके, अब हमने यहां पर एक चीज पढ़ा, हमने देख चुके हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन तभी होता है जब उसको क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। तो यहां पर तीन तरह से इसको एनर्जी मिला, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। जैसे ही आपका जो है एनर्जी हीट, लाइट या इलेक्ट्रिक फॉर्म में जाता है, वो रिएक्टेंट का हो जाता है, ब्रेक कर जाता है, ठीक है ना। वही बात यहां लिखा हुआ है कि रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब, अगर रिएक्शन हो रहा है और एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो उस हम रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं तो एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो यहां पर मैंने देखा कि जो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है उसके तीन का हो गए, केस आ गए, यानी कंडीशन हो गए, पहला हीट, दूसरा का इलेक्ट्रिसिटी और तीसरा क्या, सनलाइट। ओके, बस।